देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भी टेंशन में है कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए। इसी के चलते पीएम मोदी ने 8 अप्रैल को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, सभी सीएम के सुझाव सुने और उसके बाद अपने भी विचार रखे। लेकिन इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीच मीटिंग में ऐसी हरकत की कि उनकी इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। दरअसल पीएम मोदी इवेंट मैनेजमेंट के सिस्टम पर बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी सीएम गंभीरता से पीएम मोदी की बातें सुन रहे थे, लेकिन वहीं सीएम केजरीवाल का रिएक्शन तो सबसे अलग था। पीएम मोदी की इस बैठक में केजरीवाल कुछ ऐसा करते पाए गए कि अब उनका सोशल मीडिया पर मजाक भी उड़ रहा है। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान केजरीवाल हंसते हुए कभी अपने हाथों को ऊपर करके बैठे हुए तो कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठे हुए देखे गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को लेकर कहा कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ हो रही इस मीटिंग में केजरीवाल का इस तरह से बैठने का तरीका किसी भी तरह से अनुशासित नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे पीएम मोदी का अपमान भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें केजरीवाल की हरकतें साफ साफ रिकॉर्ड हो गई। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की। कोरोना के प्रसार को बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उस मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए। पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक लेफ्ट में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है तो मैं समझता हूँ इसे भी किया जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी सलाह देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है चाहिए। इसी तरह ये मैक्सिमम वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख कर के जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी के संबोधन के वक्त अपने मोबाइल में व्यस्त नजर आए। उनको लेकर भी लोगों ने मजाक में लिखा कि उद्धव ठाकरे केजरीवाल को मैसेज कर रहे हैं कि वो अपना माइक बंद कर लें। अब आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल के एक्शन पर जनता का कैसा रिएक्शन रहा। ट्विटर यूजर लक्की सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पीएम मोदी एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये बेशरम प्राणी उनका मजाक उड़ा रहा है। आकांक्षा सहाय लिखती हैं, इससे पता चलता है कि कितना सीरियस है ये। कोरोना केस लगातार रोज बढ़ रहे हैं, जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा तब ये जोक मारना। गगन लिखते हैं, बस इसीलिए केजरीवाल से कोरोना के केस संभलते नहीं है, फिर अमित शाह के पीछे भागता रहता है भोंदू। मधुस्मिता लिखती हैं, मीटिंग में हंसता है, फिर कोरोना केस बढ़ते हैं तो मम्मी मम्मी करके रोता है। ये तो अमित शाह जी हैं, इसीलिए दिल्ली वालों को देर सवेर राहत मिल जाती है, वरना इस पढ़े लिखे गंवार ने बेड़ा गर्क ही कर रखा है। और इसके फॉलोअर्स भी एक से बढ़कर एक। तो आप भी केजरीवाल की इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।